हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। हम सब ने आर्यन्स का नाम सुना है और शायद हमने ये भी सुना है कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो आर्यन्स थे, पर देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस, देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द आर्यन्स। क्या हम सच में उन्हीं की जनरेशन है या फिर आर्यन्स कोई और थे? कौन थे ये आर्यन्स, कहाँ से आए थे और हमारा और उनका क्या रिश्ता है? आज मैं आपको उन आर्यन्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ। द कमिंग ऑफ द आर्यन्स हैव ऑलवेज बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री एंड आर्यन्स वेर द वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज कम्युनिटी ऑफ दैट टाइम। आर्यन्स जितने सिविलाइज उस जमाने में शायद ही कोई मिलता। बट उनके ओरिजिन के बारे में हमारे अंदर आज भी काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। यूरोपियंस और एशियंस आज भी प्राइड लेते हैं कहने में कि हम आर्यन्स के लाइन ऑफ जनरेशन हैं। बट क्या ये सच है कि हम आर्यन्स के ही आर्य के जनरेशन हैं? आर्यन्स की ओरिजिनल होमलैंड को लेके काफ़ी थ्योरीज है हमारे पास, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है दैट इज सेंट्रल एशियन थ्योरी विच वॉज प्रोफाउंडेड बाय प्रोफेसर मैक्स मुलर। ही ओपाइंड दैट द आर्यन्स केम टू सेंट्रल एशिया विद द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और उनका ये भी मानना था कि इंडियंस, रोमन्स, जर्मन्स, लैटिन, इन सबके जो ओरिजिनल जो एंसेस्टर्स थे वो एक साथ सेंट्रल एशिया में रहते थे एंड दे वर कॉल्ड द आर्यन्स। ये हमें सुन के बहुत कंफ्यूजन लगेगा कि क्या हम सबके एंसेस्टर्स आर्यन्स ही थे। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा दिस कैन बी रिवील्ड by study, by research of the language of that area. And he found that Persian, Indian, Latin, all these languages are very similar. That means the base of those languages are the same. Example I'm telling you. He said Pitri and Maitri in Sanskrit is same as Pidar and Madar in Persian, as pater and mater in Latin, and father and mother in English. This was the proof that all these languages are very similar. And Professor Max Muller tried to reveal that thus the Aryans were actually the ancestors of all of us. Okay? Now, Max Muller also said that Aryans different groups mein wahan se migrate kiye Central Asia, and one such group entered India. So basically we are the lineage of the Aryans according to Professor Max Muller, and that group that entered India, they came from Northwest Passage. But this theory of Professor Max Muller, that is Central Asian theory, was very much opposed by Shri Bal Gangadhar Tilak in his book Arctic Homes in Vedas. He said, अपनी किताब में श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि ऋग वेदा हमें बताता है कि आर्यन्स जो थे वो सेंट्रल एशिया नहीं आर्टिक रीजन के इनहेबिटेंट्स थे। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, कैसे? अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू श्री बाल गंगाधर तिलक जी, ऋग वेदा में जिस जगह के बारे में बताया गया है वहां मेंशन है कि डेज एंड नाइट्स वेर इक्वली एंड दे वेर फॉर 6 months ईच। सो एंड दिस इज, वी ऑल नो दिस इज फाउंड इन ओनली आर्टिक रीजन।
सो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि ओरिजिन जो है आर्यंस का वो सेंट्रल एशिया नहीं बल्कि आर्टिक रीजन है. दिस वॉज अनदर ओपिनियन. एट द सेम टाइम देर वॉज वन मोर थ्योरी विच वॉज सप्त सिंधु थ्योरी एंड विच वॉज प्रोफाउंडेड बाय ए सी दास एंड ही सेड इन हिज बुक. हिज बुक वॉज रिग वेदिक इंडिया. ही सेड दैट द ओरिजिन ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस वॉज नॉट आर्टिक रीजन्स एंड नीदर सेंट्रल एशिया. इट वॉज सप्त सिंधु दैट इज मॉडर्न पंजाब. बिकॉज अकॉर्डिंग टू ए सी दास उन्होंने कहा कि जिन क्रॉप्स के बारे में, जिन प्लांट्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, जिन एनिमल्स के बारे में उनकी ऋग्वेदा में मेंशन है वो सब पंजाब में मिलता है, सप्त सिंधु में मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू हिम द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस वॉज सप्त सिंधु. सो वी फाइंड एंड देयर स्टिल मेनी थ्योरीज और हर एक थ्योरी अपने आप में डिफरेंट ओपिनियन देता है. एंड जस्ट द वे वी हैव डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस, सेम वे वी हैव डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द ईयर, द डेट व्हेन द आर्यंस एंटर्ड इंडिया. बट इफ वी विल कंक्लूड, if I'll conclude my this online session, if we after reading so many, if we conclude in a common opinion, then we'll find that Aryans came to India in 1200 BC in Sapta Sindhu, that is modern Punjab. This is the common view. So Aryans hamare ancestors the, right? Aur wo Punjab mein hi aaye the. ओरिजिनल होमलैंड जैसे हम पढ़े हैं, जैसे हम कॉमन व्यू में बता सकते हैं कि दे केम टू इंडिया. एंड देयर इज वन मोर ओपिनियन दैट आर्यंस केम टू इंडिया वाया अफगानिस्तान. तो आर्यंस के संग हमारा क्या रिश्ता है? हम एशियंस हमेशा से कहते आए हैं कि हम आर्यंस के लाइनेज हैं. और कॉमन व्यू जो प्रोफेसर्स की है, जो थ्योरीज की हैं, वो ये हैं कि आर्यंस केम टू इंडिया इन सप्त सिंधु, दे सेटल्ड इन सप्त सिंधु, दैट इज मॉडर्न डे पंजाब, ओरिजिनल होमलैंड यू कैन से यहाँ पे इंडिया में, एंड दे केम वाया अफगानिस्तान. तो ये कंक्लूड करती हूँ मैं अपने सेशन में कि हमारा रिश्ता आर्यंस के संग एंसेस्टर्स का ही. I hope, and this is a theory, according to the common theory, I can say this. I hope you like this video, this information, and in a day or two, I'll come up with another topic, with another interesting story. I hope you enjoyed. Thank you.